ये पानी का नाला जो है ना, इसको देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, इसके किनारे किनारे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जहां इसका उद्गम स्थल मिलेगा वही नंद बाबा का घर है, वही यशोदा मैया का घर है। गुप्तेश्वर पांडे, गुप्तेश्वर पांडे पूर्व बिहार के डीजीपी और जेडीयू नेता रहे, पर अब वो प्रवचनकर्ता बन गए हैं और अयोध्या में आकर उन्होंने अपने प्रवचनों की शुरुआत करी, आहुति डाली। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये वही स्थान है जहां पर गुप्तेश्वर पांडे आए और उन्होंने 5 से 6 दिन भगवत का यहां पर पाठ किया। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं अयोध्या से, 7 दिन कुल जो है उन्होंने यहां पर जो है पाठ किया। ये हरि सुदर्शन आश्रम है जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहां पर गुप्तेश्वर पांडे विराजमान हुए और भगवान कृष्ण को याद करते हुए, भगवान से आप कैसे जुड़े इस बारे में भी बताया। लगभग 7 दिन यहां पर रहे और अब इसके बाद ये आगे सफर ऐसे ही तय करने वाले हैं, प्रवचनकर्ता बने हैं। आपको बताऊं उससे पहले इनके म्यूजिक एल्बम भी आ चुके हैं, ये गायन में भी अपने हाथ आजमा चुके हैं, तो अलग अलग प्रतिभाओं से जो है ये आप दिखा रहे हैं कि अलग अलग प्रतिभाओं से धनी है। तो अभी जो चीज सामने आ रही है, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं शास्त्री साहब, ये यहीं पर मौजूद थे जब गुप्तेश्वर पांडे यहाँ पर प्रवचन दे रहे थे। शास्त्री जी, गुप्तेश्वर जी यहाँ पर आए जी, क्या रहा पूरा उनका? 15 तारीख को आए यहाँ पे, 15 से 22 तक श्रीमद भागवत कथा सप्ताह यज्ञ, पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानुजाचार्य गोपालाचार्य वेदांत मार्तंड उनके नेतृत्व में 7 दिन कथा उन्होंने सुनाया और अगली कथा उनकी नहीं। एकदम से क्या हो गया ऐसा धर्म, मतलब एकदम से वो क्या, पहले से डीजीपी फिर नेतागिरी और एकदम से प्रवचन? ये तो उनके पूर्व से अंदर समाहित था, क्योंकि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो जब अपनी गाड़ी से चलते थे तो भाव में कथा करते थे। आप कैसे जानते हैं उनको? मेरा सर से 5 किलोमीटर दूरी पर घर है जी, बक्सर, तो हम लोग तो नजदीकी है, उनके करीबी है, तो हमेशा जानते रहते हैं। तो यहाँ पे उनका मन हुआ कि मैं कथा सुनाऊंगा, तो मेरे गुरुदेव ने कहे क्या चलिए प्रथम कथा मेरे आश्रम अयोध्या हरि सुदर्शन आश्रम, वहां से आप कथा सुनाइए। तो मुख्य तरह से हमारे गुरुदेव भी यजमान रहे परीक्षित के रूप में और उनके नेतृत्व में 7 दिन तक सर कथा सुनाए। अगली बार कब प्लान है भागवत करने का जी? अब अगला भागवत उनकी कथा लगी हुई है हर जगह, क्योंकि आपको मैं बता, कथा भी लग गई अभी जी, कथा लगी है अभी 16 से 22 तक वहां से गोवर्धन में मानसी गंगा राधा कृष्ण आश्रम है और 25 जुलाई से उनकी फोगला आश्रम में है वृंदावन में और सब बंगाल में कई जगह उनकी कथा है। बंगाल भी जाएंगे जी जुलाई में, यहाँ तक कि अगर कोरोना अनुकूल रहा तो वहाँ भी उनकी कथा। गृह जनपद बिहार में नहीं कर रहे हैं कुछ जी? बिहार में उनके सोनपुर जो मंदिर है हरिहरनाथ का, वहाँ 4 जुलाई से 11 जुलाई तक। ज्ञान क्या दिया जी? श्रीमद भागवत कथा बोल रहे हैं अभी सप्ताह ज्ञान यज्ञ, मैं सुन रहा था जूम के थ्रू, मेरे ख्याल से किया है और बताया है भगवान से कैसे जुड़े हैं, तो आपको समझ पाए क्या? हमें आश्चर्य ये हुआ कि इतना दिन तक ये व्यक्ति प्रशासन अधिकारी रहे और कुछ ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे थे कि अच्छे अच्छे विद्वान भी नहीं बोल पाते। जैसे? जिसे भगवान पे एक उन्होंने दिया है, क्या लोग बोलते हैं आजकल कि आप लोग भगवान को देखे हैं भगवान को जानते हैं? उन्होंने एक प्रमाण दिया, लोग कहे कि क्या अपने पिता को देखे हैं? जैसे लोग अपने पिता को नहीं देखे, अनुभव मेरे पिता है, सबको विश्वास है, मानते हैं, तो मेरे भगवान है। और उन्होंने जब कथा बोलते थे भाव में रोते भी थे, आप लोग वीडियो देखेंगे जो, जो वो मैं भी आ रहा था इस पे कि वो रोने भी लगे, इमोशनल हो गए जब गोपी और उद्धव का जब चरित्र का वर्णन कर रहे थे, जब वृंदावन गए हैं उद्धव जी, जब वहां के लोगों ने बताया कि ये जो नाले बह रहे हैं तो ये 125,000 गायों के है जो वहां पे पड़े उनकी नाले हैं, जब ऐसे भाव में, फिर सुदामा के चरित्र में जब उनकी विवल का, तो भाव में खूब रो रहे थे सर। कितने दिन रहे कुल यहाँ? 8 दिन तक सर रहे, 14 को आए थे, 15 से कथा किए, 22 को शाम को निकल गए और अगला पड़ाव वहाँ। इतने लोग सुनने आए थे कथा यहाँ? यहाँ 20 लोग थे, कुछ उनके आदमी थे, फिर गुरुदेव थे अगल बगल से, क्योंकि जगह के थोड़े से अभाव थे और कोरोना के देखते हुए वो कथा यहाँ पे हुई। मतलब अब जो है गुप्तेश्वर जी जो है कृष्ण भक्त बन गए जी? वो तो पहले से पूर्व है, क्योंकि वो हम सुने उनके मुख से कि मैं जब 16 साल के था तो अपने डायरी में नोट किया था कि लास्ट में मेरा भगवत चिंतन ही है।
चिंतन है बिल्कुल, भगवत गीता जिस तरह से भगवत पाठ कर रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे, अलग अलग कड़ी अलग अलग किरदार में नजर आते हैं। डीजीपी से वीआरएस लिया, नेता बने, नेता बनके जब सीट नहीं मिली तो दोबारा फिर अब जो है कथावाचक बन गए और अयोध्या से अपने इस कथावाचक जो चीज है इसकी शुरुआत करी है और आगे वृंदावन तक जो है इनका पूरा समागम इस तरह से चलने वाला है। शास्त्री जी थे जो यहाँ पर प्रॉपर थे, इन्होंने बताया कि किस तरह से भगवान को याद किया, इमोशनल भी हुए, रोने भी लगे और कई तरीके बताए भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, जो जूम मीटिंग में इन्होंने, जूम के मीटिंग के थ्रू इन्होंने बताने की कोशिश करी। अब देखना है कि इनका गुप्तेश्वर जी का ये सफर आगे कितनी दूर तक जाता है, कितना लंबा वो प्रवचनकर्ता बनकर आगे रह पाते हैं। कैमरामैन संजय और सहयोगी बनवीर के साथ समर श्रीवास्तव।